ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक लाइट ब्राउन वाले फैमिली का एक कलर लेकर आए हैं जो कि 5.35 है। तो उसे हम लोग किस तरह करने वाले हैं, बट इसमें हम लोग ब्लीच वॉश भी करने वाले हैं। ब्लीच वॉश जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो मेहंदी वाले कलर होते हैं या फिर जिस पे कोई डाई या फिर कोई भी अलग सा कोटिंग किया हुआ होता है जिस पे कलर हमारे आसानी से नहीं आ पाते, तो आज हम ब्लीच वॉश भी करेंगे और उसके बाद में हम कलर भी लगाएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ना दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल वीडियो है, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए तब तक कि मैं आप लोग को प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा प्रीलाइटनिंग है। प्रीलाइटनिंग आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, हमने स्ट्रिक्स का लिया है, आप लोग लॉरियल का, वेला का, जो भी ब्रांड पे आप यूज़ कर सकते हो वो ले सकते हो। 600 के आसपास आप लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ट्यूब जो हम लोग यूज़ करने वाले। तो हम यूज़ करने वाले 5.35 जो कि मोहगनी गोल्डन लाइट ब्राउन है, और इसका मिक्सिंग रेशो है 1:1.5, यानी कि आप लोग जितना क्रीम लोगे उसका आप लोग को डेढ़ गुना लेना है डेवलपर। तो चलिए मैं आप लोग को इसका प्राइसिंग दिखा सकता हूँ। तो प्राइसिंग है इसका 350, यानी कि 350 के आसपास आप लोग को ये मिल जाएगा। तो लॉरियल के बाकी के जितने भी ट्यूब होते हैं वो 400 के अंदर में ही हैं और मिल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को अंदर से इसका पैकेजिंग दिखा दे रहा हूँ और इसे अभी ओपन करके भी दिखाऊंगा मैं। तो इसके पीछे भी देख सकते हो मेंशन किया हुआ है 5.35, तो बहुत ही बेहतरीन सा शेड है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं ब्लीच वॉश, तो ब्लीच वॉश के बाद ही आप लोग को ये शेड आ पाएगा, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली करोगे वर्जिन हेयर पर तो आप लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5.35 ज़्यादा हेयर्स को कलर लिफ्टिंग नहीं करता है। तो हम लोग ब्लीच वॉश के बाद ही इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए आप लोग ने देख लिया इसका ट्यूब भी, अब हम चलिए चलते हैं हमारा ब्लीच निकालते हैं और हमारे ब्लीच को अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। इसका मिक्सिंग रेशो होगा 1:2, यानी कि जितना आप लोग ब्लीच प्रीलाइटनिंग लेंगे उतना ही उसका दो गुना आप लोग को लेना है डेवलपर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1:2 का मतलब क्या है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। हमने दो ढक्कन निकाला है और इसे पैक करके रख देते हैं, क्योंकि अगर इसमें हवा लग गया तो ये ख़राब हो जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको पैक करके रख देना है। और अब हम आप लोग को दिखाएंगे जो डेवलपर हम लोग डाल रहे हैं। इसमें डेवलपर डाल रहे हैं हम लोग 30 वॉल्यूम, और इसे हम लोग देखिए 1:2, यानी कि जितना हम लोगों ने लिया है ब्लीच उतना ही ज़्यादा हम लोग उसका दो गुना लिए हैं डेवलपर। अब उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा जो हेयर है उसमें कितना ज़्यादा मेहंदी का कोटिंग किया हुआ है। तो ये हमारे पास हेयर्स, और हेयर्स की क्वालिटी देख सकते हो, उस पर मेहंदी वगैरह लगी हुई है, काफ़ी कलरिंग किए हुए हैं, जिसपे अगर आप लोग डायरेक्टली 5.35 का शेड डालोगे तो ये 5.35, जैसे कि आप लोग को बताया कि स्टार्टिंग में 5 नंबर है, तो 5 नंबर आप लोग को पता है कि ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं करता। तो और ऊपर से ये मेहंदी वाली कोटिंग वाले हेयर है, तो इस पर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जब भी आप लोग के पास ऐसे कोई हेयर्स आते हैं जिस पे कलर नहीं आ सकते, तो सबसे पहले आप लोग को करना है ब्लीच वॉश। अगर ब्लीच वॉश का आप लोग को डिटेल में वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर ब्लीच वॉश का डिटेल में पूरा वीडियो दिया हुआ है। तो चलिए अब इसे प्रॉपर तरीके से हम पूरा ब्लीच अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, और उसके बाद में हम इसे लिफ्ट होने देंगे। हमें ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो शेड है वो है 5.35, यानी कि हमें ज़्यादा नहीं, हमारा अगर 6 लेवल तक भी लिफ्ट हो गया तो भी काफ़ी है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से फॉइल से पैक कर देते हैं ताकि हमारा जो लिफ्टिंग है वो जल्दी जल्दी आ जाए, और उसके बाद में हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट रुकेंगे, और 15 से 20 मिनट में हमें जो 6 लेवल तक लिफ्टिंग चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना लिफ्टिंग हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा 6 to 7 लेवल तक बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से लिफ्ट हो चुका है। तो मैं आप लोग को इसे अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि आप लोग देखिए, आप लोग को जो कोटिंग था वो पूरा प्रॉपर तरीके से निकल चुका है। मैं आप लोग को नज़दीक से क्लोजअप में लाकर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मेहंदी पूरा प्रॉपर तरीके से निकल गया है, और जिसकी वजह से अब हमारा जो शेड है वो आसानी से आ जाएगा। तो जब भी आप लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग ब्लीच वॉश करिए, इसे ब्लीच वॉश कहते हैं, उसे अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई करिए, और देन जो हमारा डिज़ायर शेड है वो शेड हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम हमारा जो डिज़ायर शेड है 5.35 मोहगनी गोल्डन लाइट ब्राउन, उसे मिक्सिंग कर लेते हैं। और इसका मिक्सिंग रेशियो मैंने आप लोग को पहले दिखाया था कि जितना हमारा क्रीम होगा उसी का डेढ़ गुना हम डेवलपर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्रीम निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हेयर्स काफ़ी शॉर्ट है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस थोड़ा सा ही क्रीम निकालेंगे जितना कि हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा कलरिंग जो हमारा डिपॉजिट है वो हो पाए। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी ब्लीच वॉश करेंगे तो आप लोग को 30 वॉल्यूम से यूज़ करना है, और जब भी कलर डिपॉजिट करना हो तो आप लोग 20 वॉल्यूम से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा लेवल लिफ्ट नहीं करना है। 20 वॉल्यूम आप लोगों को खाली डिपॉजिट के लिए यूज़ करना है, तो हमारा 20 वॉल्यूम से काम हो जाता है। तो अब हम इसमें कलर लगाने वाले हैं हमारे जो प्रीलाइटनिंग किए हुए हेयर हैं, जो ब्लीच किए हुए उस पर। तो हम इसमें बाउल में ही डालकर इसमें हम अच्छी तरीके से कलर लगा लेते हैं, और उसके बाद में हम इसे ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट रखेंगे और चेक करते रहेंगे
कि हमारा जो हेयर है उस पर डिज़ायर शेड हमें चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। जब वो आ जाए तो आप लोग को तुरंत उसे वॉश कर देना है, क्योंकि अगर और ज़्यादा टाइम रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरीके से लगा रहा हूँ पूरे हेयर्स पर, देखिए धीरे धीरे किस तरह वो डार्क होते जा रहा है, इसमें कलर लिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि ये डार्क वाले शेड की तरफ लिफ्ट होते जा रहा है, और ये अब देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से हमें जो 5.35 का शेड चाहिए था वो बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से आ चुका है। दोस्तों फटाफट लाइक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो था, आप लोग ने देखा। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से मल्सीफाई कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर ब्लीच वाले हेयर्स रह गए हैं जहाँ पर कलर नहीं पहुँचे तो आसानी से पहुँच जाएँ, तो आप लोग को भी इसी तरह मल्सीफाई करना। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी हमने कलर वॉश नहीं किया है और ये नॉर्मल सा शेड जो हमारा शाइन दे रहा है 5.35 वाला शेड हमारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से शाइन दे पा रहा है। तो अब हम इसे करेंगे 5 मिनट के लिए और वेट, और देन उसके बाद में हम इसे वॉश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, और आप लोगों को कलर देखते रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम रख के और आपने छोड़ दिया तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, तो हमें डार्क शेड नहीं चाहिए। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद में, फिर आप लोग को स्टाइलिंग देना है, ब्लो ड्राई देना है, आप लोग को जो स्टाइलिंग करना हो करना। तो आप लोग देखिए अभी मैं इसे ड्राई वगैरह करके फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट इसे ड्रायर कर लेते हैं, ब्लो ड्राई। आप लोग को 100% जब ड्राई हो जाए तब आप लोग उसमें कोई भी कर्ल्स टाइप में या फिर जो भी आप लोग स्टाइलिंग करना है वो कर सकते हो, और अगर आप लोग को कर्ल्स वाले स्टाइलिंग कैसे करते देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए अब हमारा यह फाइनल रिजल्ट कितना अमेजिंग सा आ रहा है, हमारा जो हेयर्स था वो पहले किस तरह दिख रहा था बिफोर में, आप लोगों को बिफोर और आफ्टर का भी लुक दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा बिफोर में जब हमने ब्लीच किया था तब कैसा दिख रहा था, और एकदम चॉकलेट टाइप का शेड आया है और काफ़ी बेहतरीन सा रिजल्ट आया है। दोस्तों आप लोग को अगर करना हो तो आप लोग फ्रेंच बालियाज वाले टेक्निक में प्री लाइटनिंग करिए, और देन उसके बाद में आप लोग को उसे प्री लाइटनिंग करने के बाद में वॉश करिए, और उसके बाद आप लोग ये कलर को डिपॉजिट करिए और आप लोग को इस टाइप का कलर मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन सा रिजल्ट आया है 5.35 का लुक। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और हाँ दोस्तों वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।